आइए दोस्तों, पढ़ते हैं हम बीट्स के बारे में। अभी तक हमने जो सुपरपोजिशन पढ़ा था वो सुपरपोजिशन था सेम एम्पलीट्यूड और सेम फ्रिक्वेंसी के लिए। हम बात करते हैं जो एम्पलीट्यूड है वो होगा, एम्पलीट्यूड तो होगा सेम लेकिन फ्रिक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट होंगी दोनों की, ठीक है। जब सुपरपोजिशन होगा तो उस टाइम पे क्या होगा, तो उस टाइम पे ये होगा कि जो उनकी फ्रिक्वेंसी है अलग होने से सुपरपोजिशन होगा। सुपरपोजिशन होने के बाद मान लीजिए वो साउंड वेव है और साउंड वेव में सुपरपोजिशन हुआ तो किसी टाइम पर जो रिजल्टेंट साउंड हमको सुनाई देगी, ठीक है, वो रिजल्टेंट साउंड मैक्सिमम होगी किसी टाइम पर, किसी टाइम पर मिनिमम होगी, किसी टाइम पर मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम, इस तरह से होगी। तो ये जो मैक्सिमम मिनिमम का खेल है इसी को हम क्या बोलते हैं, बीट्स बोलते हैं। और दो सक्सेसिव मैक्सिमम या फिर दो सक्सेसिव मिनिमम के बीच का जो टाइम है उसको हम बीट पीरियड बोलते हैं या फिर बीट टाइम बोलते हैं। तो देखिए किस तरह से होता है, ये मान लीजिए वाई वन है जो कि है ए साइन ओमेगा वन टी, फ्रिक्वेंसी पर ध्यान रखेगा दोनों की अलग है, यह है ओमेगा टू टी। अब वाई रिजल्टेंट होगा इन दोनों का एडिशन जो कि बराबर निकल जाएगा टू ए कॉस ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू ओवर टू, और ये होगा साइन ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू ओवर टू। अब ये वाई का जो एम्पलीट्यूड है ये हमको बताएगा कि किस पॉइंट पर, किस टाइम पर रिजल्टेंट जो वेव है वो मैक्सिमम है, किस टाइम पर रिजल्टेंट वेव मिनिमम है, ये एम्पलीट्यूड हमको बताएगा। एम्पलीट्यूड है टू ए कॉस ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू ओवर टू, जहां पर ये प्लस माइनस वन होगा वहां पर रिजल्ट मैक्सिमम होगा, ठीक है, और जहां पर ये जीरो होगा वहां पर ये मिनिमम होगा, मतलब कि साउंड कम होगी, और जहां पर प्लस माइनस वन होंगे वहां पर मैक्सिमम होगी। तो देखिए इस तरह से होगी, जब ये चीज ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू ओवर टू बराबर हो जाए एन पाई के, यानी कि ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू ओवर टू बराबर हो जाए एन पाई के, जहां पर एन बिलोंग करता है इंटीजर से, ठीक है, और ओमेगा हमको पता है क्या होता है, टू पाई एन ओवर सॉरी टू पाई एन के बराबर होता है। तो ये हो गया टू पाई एन वन माइनस टू पाई एन टू, या फिर टू पाई म्यू वन में लिख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मर्जी आपकी है। ये टू इज इक्वल टू एन पाई, दो दो और दो कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, सो एन वन माइनस एन टू इज इक्वल टू एन, और यहाँ पर ये वाला टाइम भी है टाइम, ठीक है, तो ये आ गया टाइम, यहाँ पर मल्टीप्लाई, सो टाइम इज इक्वल टू एन इंटीजियर एन वन माइनस एन टू। तो एन की वैल्यू रखते जाओ टाइम हमको मिलता जाएगा। टाइम क्या होगा जब एन इज इक्वल टू जीरो हो, तो टाइम भी जीरो हो जाएगा जब एन जीरो है। टाइम की वैल्यू क्या होगी जब एन की वैल्यू वन होगी, टाइम होगा वन ओवर एन माइनस एन टू वेन एन इज इक्वल टू वन। टाइम टी वन टी टू टी थ्री बोल देते हैं, अब ये हो जाएगा टू डिवाइड बाई एन वन माइनस एन टू, ठीक है, जब एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी दो, जब एन की वैल्यू दो होगी। तो अब इन्हीं चीजों को जो है लिख देते हैं हम यहाँ पर, जब एन बराबर जीरो दिख रहा है ना, ठीक है, एन बराबर जीरो टाइम बराबर जीरो, एन बराबर एक टाइम बराबर वन डिवाइड बाय एन वन माइनस एन टू, एन बराबर दो टू डिवाइड बाय एन वन माइनस एन टू, इस तरह से निकलकर हमारे पास जो है टाइम आएगा, ये वो टाइम है जहां पर जो है मैक्सिमम आवाज हमको सुनाई देगी, मैक्सिमम लाउडनेस।
अब उसी तरह से मिनिमम के लिए जब टी ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू ओवर टू ये बराबर हो जाएगा टू एन प्लस वन पाई बाय टू के, ठीक है। तो टाइम को यहीं पर रहने दो, टू पाई बार कॉमन दोबारा से एन वन माइनस एन टू डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू टू एन प्लस वन पाई बाई टू, पाई से पाई हटा दो, टू से दो हटा दो, सो टाइम इज इक्वल टू टू एन प्लस वन डिवाइड बाई एन वन माइनस एन टू। तो ये वो टाइम होंगे जहाँ जहाँ पर हमको मिनिमम आवाज सुनाई देगी, मिनिमम लाउडनेस या फिर मिनिमम इंटेंसिटी होगी। तो इनको भी जो है लिख देते हैं भाई कौन कौन से पॉइंट होंगे। वो जब एन बराबर जीरो हो, यहाँ पर भी एन बिलोंग्स टू इंटीजर है, एन बराबर जीरो तब टाइम बराबर कितना है वन डिवाइड बाय एन वन माइनस एन टू, और यहाँ पर टू भी होगा पाई बाय टू था ना ये, यहाँ पर ना ये सॉरी ये वाला टू, ठीक है ये वाला टू। जब एन की वैल्यू जीरो तो वन डिवाइड बाय टू एन वन माइनस एन टू, व्हेन एन इज इक्वल टू जीरो। अब व्हेन एन इज इक्वल टू वन तो टाइम कितना होगा, दो एकम दो और एक तीन बटे दो एन वन माइनस एन टू, इसी तरह से पांच बटे दो एन वन माइनस एन टू, क्योंकि दो दूनी चार और एक पांच बटे दो, एन बराबर एक के लिए जीरो के लिए ये, एन बराबर एक के लिए ये और एन बराबर दो के लिए ये, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज देखो आप, ये वन डिवाइड बाय एन वन माइनस एन टू, टू डिवाइड बाय एन वन माइनस एन टू, इस टाइम पर और इस टाइम पर मैक्सिमम आवाज हमको सुनाई दे रही है, ठीक है। अब देखो ये टाइम और ये टाइम, ठीक है, या फिर देखो जब टाइम बराबर जीरो है, ठीक है, तो हमको साउंड भी जीरो सुनाई दे रही है, सॉरी जब टाइम बराबर जीरो है तब मैक्सिमम साउंड है, ये वाले टाइम है जो वो टाइम है जहां पर मैक्सिमम आवाज हमको सुनाई देगी। तो ये वाला मैक्सिमम, ये वाला मैक्सिमम, ये वाला मैक्सिमम, अब जीरो से एक के बीच में, ठीक है, जीरो से एक के बीच में कौन है हमारा, देखो जीरो जब एन बराबर जीरो है तो मिनिमम कब है, जब वन डिवाइड बाय टू हो, वन डिवाइड बाय टू, तो जीरो से एक के बीच में कौन आएगा, वन डिवाइड बाय टू एन वन माइनस एन टू, मतलब कि ये वाली जो मिनिमम साउंड है ये दो इन मैक्सिमम के बीच में लाई करेगी, उसी तरह से ये वाली जो मिनिमम साउंड है ये दो इन मैक्सिमम के बीच में लाई करेगी। तो दो मैक्सिमम है तो मैक्सिमम के बीच में एक मिनिमम होगी, तो मैक्सिमम के बीच में एक मिनिमम साउंड हमको सुनाई देगी। तो मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, ये खेल चलता रहेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, बीट्स बोलते हैं, ठीक है। और उनके बीच का जो दो सक्सेसिव मैक्सिमम या फिर दो सक्सेसिव मिनिमम साउंड ज्यादा होंगी उस के बीच के टाइम को हम क्या बोलेंगे, बीट पीरियड बोलेंगे, ठीक है। और जो बीट पीरियड होगा वो बराबर हो जाएगा वन डिवाइड बाय एन वन माइनस एन टू इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी ऑफ बीट, इसको हम बोल देंगे। और इसी चीज को अगर हम लिखना चाहें, जो भी मैंने बताया था कि मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम होता है, उसी खेल को हम बीट्स बोलते हैं। आप लिखना चाहो तो उसको इस तरह से लिख सकते हो। तो अगर इसी चीज को आप लिखना चाहो तो इस तरह से लिख सकते हैं, दिस सुपरपोजिशन ऑफ, दिस जो हमने अभी किया, दिस सुपरपोजिशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज एट अ मीडियम पार्टिकल, द साउंड विल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड अगेन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड सो ऑन, जो साउंड है वो घटेगी बढ़ेगी फिर दोबारा से घटेगी बढ़ेगी, इस तरह से चलती रहेगी, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड बीट। इसी को हम क्या बोलेंगे, बीट, साउंड बढ़ेगी घटेगी बढ़ेगी घटेगी, इसी को क्या बोलेंगे, बीट। अब द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमम और मिनिमम साउंड इज कॉल्ड बीट पीरियड, दो सक्सेसिव हो या फिर दो मिनिमम हो उनके बीच का जो टाइम है उसी को क्या बोलेंगे हम, बीट पीरियड बोलेंगे, जो कि है वन डिवाइड बाय एन वन माइनस एन टू इज इक्वल टू, ठीक है।
तो ये हमारे पास जो है बीट इस तरह से होंगी बीट्स। तो आइए अब पढ़ते हैं हम डॉपलर इफेक्ट के बारे में। डॉपलर इफेक्ट क्या होता है? तो आपने देखा होगा कभी भी कोई वाहन होता है, जो कोई भी व्हीकल है, जब वो दूर से आता है, जैसे कि मान लीजिए कोई रेलगाड़ी है, वो दूर से आती है हॉर्न देते हुए, तो हॉर्न आते जब रेलगाड़ी आपके पास आती जाती है, आती जाती है, तो हॉर्न तेज होता जाता है, उसके बाद फिर वो बिल्कुल आपके पास से होकर गुजरती है, तो हॉर्न की जो इंटेंसिटी है, जो लाउडनेस है, वो फिर दोबारा से कम होती हुई चली जाती है। तो इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? इस इफेक्ट को हम डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, कि जो साउंड की इंटेंसिटी है वो दूर से अगर हमारे पास आ रही है तो चेंज हो रही है, फिर हमारे पास से दूर जा रही है तो चेंज हो रही है, और हमारे पास है तो सबसे ज़्यादा तेज है। तो इसमें हम अलग अलग केसेस लेते हैं। पहला केस लेते हैं स्टेशनरी सोर्स एंड स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ठीक है, पहला है स्टेशनरी सोर्स एंड स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी सोर्स एंड स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्वर बोल दो। ठीक है, स्टेशनरी सोर्स एंड स्टेशनरी ऑब्जर्वर। तो इसमें ना हम देखो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, इनको हम ट्रांसवर्स ही शो करेंगे, जैसे उसमें क्या था स्ट्रिंग वाली केस में। तो यहां पर मान लेते हैं ऑब्जर्वर है, ये सोर्स है, ठीक है, ये इसकी स्पीड है वी, ये लैम्डा इसकी वेव लेंथ है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी होगी इक्वल टू स्पीड ओवर लैम्डा। ठीक है, ये होगी इसकी फ्रीक्वेंसी, फिर लैम्डा को इधर ले आओ, वेवलेंथ इज इक्वल टू वेलोसिटी ओवर स्पीड ओवर फ्रीक्वेंसी। अगर स्पीड की डायरेक्शन, स्पीड विद डायरेक्शन बात करें तो वेलोसिटी हो जाएगी। तो ये हमारे पास जो है केस आ जाएगा स्टेशनरी सोर्स और स्टेशनरी ऑब्जर्वर के लिए, ये। ठीक है, अब अगर ऑब्जर्वर है, वो ऑब्जर्वर आगे पीछे मूव कर रहा है, तब क्या होगा? और सोर्स अपनी एक जगह पर है, ये ऑब्जर्वर है, ये सोर्स है, ये इसकी स्पीड है, ये इसकी वेलोसिटी है, इस डायरेक्शन में स्पीड है, इस डायरेक्शन में तो वेलोसिटी। ठीक है, और ये ऑब्जर्वर मान लेते हैं पहले इधर की तरफ आ रहा है, ये वेलोसिटी ऑफ सोर्स, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक है, और भैया ये लैम्डा है। ठीक है, अब जो फ्रीक्वेंसी है, अब फ्रीक्वेंसी क्या होगी? वेलोसिटी ओवर लैम्डा। अब ये वाली जो वेलोसिटी है ना, इन दोनों वेलोसिटी का एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, जो भी है, जो कि रिलेटिव वेलोसिटी होगा। तो क्या होगा? दोनों एक तरफ आ रही हैं, रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट से वी एस प्लस वी ओ, वेलोसिटी ऑफ सोर्स प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक है, तो ये होगी अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तो था किस केस में? जो स्टेशनरी सोर्स और स्टेशनरी ऑब्जर्वर था, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी ओवर लैम्डा, ये था। अब जो फ्रीक्वेंसी होगी वो अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, क्योंकि जो देखो स्पीड है, वेलोसिटी है, दोनों की ऐड हो रही है, अब ऐड हो रही है तो अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी होगी। लैम्डा इसकी वेवलेंथ, अगर ये इसकी लैम्डा वेवलेंथ है तो लैम्डा को यहां पर ले आओ और फ्रीक्वेंसी को ले आओ यहां पर, तो लैम्डा की जगह लिख सकते हैं हम वेलोसिटी ओवर फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी ओवर फ्रीक्वेंसी। अब ये वाली वेलोसिटी किसके लिए है? वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड। फ्रीक्वेंसी को ऊपर ले जाओ, ठीक है, तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी बराबर होगी रिलेटिव वेलोसिटी डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड टाइम्स फ्रीक्वेंसी ऑफ
दिस साउंड, ठीक है, दिस वेव, ये हमारे पास जो है एपरेंट फ्रीक्वेंसी होगी जब ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ मूव कर रहा है। अगर ऑब्जर्वर सोर्स से बाहर जाए, दूर जाए, तब कोई बात नहीं, ये हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है निकल कर आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं इस साइड तीसरा वाला केस, जब जो सोर्स है ये मूव करे, दोस्तों अब दूसरा केस लेते हैं, ठीक है। दूसरा है हमारे पास जब सोर्स मूव करेगा और ऑब्जर्वर अपनी जगह पर रहेगा, यहां पर है ऑब्जर्वर और यहां पर मान लेते हैं सोर्स, ठीक है। अब यहां पर आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, क्या, कि जब सोर्स मूव करे, ठीक है, और ऑब्जर्वर वहीं पर रहे, तो उस टाइम पे जो इसकी वेवलेंथ है वो वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी, ठीक है। तो हमको जो है अपेरेंट वेवलेंथ या फिर अपेरेंट फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, वो किस तरह से होगी, देखिए। मान लीजिए सोर्स इस पॉइंट पर है और टाइम t इज इक्वल टू जीरो इस पॉइंट से हमने, और समय बराबर जीरो इस पॉइंट पर लिया, इस पॉइंट पर उसने कोई साउंड जनरेट की, ठीक है, साउंड प्रोड्यूस की जिसकी वेवलेंथ है लैम्डा, और फ्रीक्वेंसी इसकी है, एफ से डिनोट कर रहा हूं फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये वाली फ्रीक्वेंसी और ये वाली वेवलेंथ के साथ उसने ये साउंड प्रोड्यूस की। उसके बाद क्या होता है कि जब वो सेकेंड वेवलेंथ प्रोड्यूस करेगा, फिर सेकेंड फ्रीक्वेंसी के साथ जो दूसरी फ्रीक्वेंसी के साथ वेव जो प्रोड्यूस करेगा, जो साउंड प्रोड्यूस करेगा, उस के लिए जो टाइम पीरियड होगा वो मान लेते हैं टाइम पीरियड है टी, ठीक है भाई। जो दूसरा ऑसिलेशन स्टार्ट होगा, जैसे पहला ऑसिलेशन फिर दूसरा ऑसिलेशन, तो पहले से दूसरे ऑसिलेशन के बीच जो टाइम है वो है टी, यानी कि इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना है टी। अब देखो ये सोर्स इधर मूव कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स के साथ इधर की तरफ मूव कर रहा है, तो जब ये दूसरा ऑसिलेशन, ठीक है, दूसरा ऑसिलेशन या फिर दूसरी जो है साउंड प्रोड्यूस करेगा, जब दूसरी साउंड प्रोड्यूस करेगा उस टाइम पर ये वाला जो सोर्स पहले यहां था कुछ आगे आ जाएगा, कुछ आगे आ जाएगा, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, ठीक है। अब ये वाला जो डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, ठीक है, वो डिस्टेंस हमको नहीं पता, निकाल लेंगे कितना है। फिर अब यहां से जो है ये दूसरी वेव प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, तो पहले वाली जो वेवलेंथ थी और दूसरे वाली जो वेवलेंथ थी, अब ये जो सेकंड वाली वेवलेंथ है ये क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी, ये वाली वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी। तो पहली वेवलेंथ माइनस ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, दूसरी वेव क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी, तो हमको जो है एपेरेंट वेवलेंथ या फिर एपेरेंट फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी अगर हम ऑब्जर्वर हैं तो, ठीक है। इस वेवलेंथ के साथ हमको जो है ये वाली वेव सुनाई देगी, तो जो लैम्डा एपेरेंट होगा वो कितना होगा, पहले वाली वेवलेंथ माइनस ये वाला डिस्टेंस, लैम्डा एपेरेंट तो ये होगा कितना होगा, पहले जो लैम्डा है यहां से यहां तक उसमें से ये वाला डिस्टेंस हटा दो तो ये लैम्डा एपेरेंट आएगा, अगर लैम्डा एपेरेंट आएगा तो फ्रीक्वेंसी भी एपेरेंट होगी, तो लैम्डा माइनस ये वाला डिस्टेंस। अब ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, एक ऑसिलेशन से दूसरे ऑसिलेशन का टाइम पीरियड, समय बराबर ये वाला डिस्टेंस दूरी ओवर वेलोसिटी
ऑफ सोर्स, सॉरी ये वाली जो है वेलोसिटी आएगी, ये वाली इसकी स्पीड आएगी वेलोसिटी ऑफ सोर्स। ठीक है, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो होगा टाइम, देखो टाइम इज इक्वल टू 1 ओवर फ्रीक्वेंसी, जो ऑसिलेशन के बीच का टाइम है, तो टाइम और फ्रीक्वेंसी का इनवर्स रिलेशन। तो टाइम की जगह क्या हो गया 1 ओवर फ्रीक्वेंसी, तो डिस्टेंस हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सोर्स, वेलोसिटी ऑफ सोर्स डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये आ गया हमारे पास डिस्टेंस। तो लैम्डा माइनस, सॉरी लैम्डा तो ऊपर है, लैम्डा अपेरेंट इज इक्वल टू लैम्डा माइनस ये वाला डिस्टेंस जो कि है वेलोसिटी ऑफ सोर्स डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो लैम्डा अपेरेंट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी के साथ लैम्डा मल्टीप्लाई माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब देखो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी ओवर लैम्डा। अब ये वाली वेलोसिटी किसकी है, वेलोसिटी ऑफ साउंड के लिए, वेलोसिटी ऑफ साउंड, और यहां पर लैम्डा है डिवाइड बाय लैम्डा भी आ जाएगा, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास एपरेंट लैम्डा, एपरेंट वेवलेंथ जो कि बराबर होगी वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, अब ये लैम्डा एपरेंट है, अगर लैम्डा एपरेंट ये है तो फ्रीक्वेंसी एपरेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी ओवर लैम्डा एपिरेंट। अब ये है वेलोसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी एपिरेंट बराबर होगी वेलोसिटी ऑफ साउंड, फ्रीक्वेंसी एपिरेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड डिवाइड बाय लैम्डा एपिरेंट, लैम्डा एपिरेंट है वेलोसिटी ऑफ साउंड, दिख रहा है ना? ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी, है ना ये? इसको यहां से हटाओ और अब फ्रीक्वेंसी को नीचे आएगी ना, यहां पे ऊपर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये वाली जो है एपेरेंट फ्रीक्वेंसी होगी वेलोसिटी ऑफ साउंड डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स मल्टीप्लाई बाय उसकी जो नेचुरल वाली फ्रीक्वेंसी है, अपनी जो उसकी फ्रीक्वेंसी है, जो कि दो ऑसिलेशन के बीच का जो टाइम है उसका इनवर्स। तो ये आ गया हमारे पास एपरेंट फ्रीक्वेंसी जब सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ बढ़ रहा है, ये वाला। अगर सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जाए तो यहां प्लस हो जाएगा, ये वाली आ जाएगी। तो ये वाला केस है जब सोर्स मूव कर रहा है। अगर आपको ये चीज जो है लैम्डा समझ में नहीं आती है, ठीक है कि भाई लैम्डा कैसे कंप्रेस हुआ, तो एक तरीका और है, वैसे तो है यही पर थोड़ा एक्सप्लेन करने का तरीका अलग है। बस ये मान लीजिए यहां पर सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है, ठीक है, सोर्स की स्पीड है ये वाली, सोर्स की जो वेलोसिटी है वेलोसिटी ऑफ सोर्स, ठीक है, ऑब्जर्वर अपनी जगह कर लिया। अब देखो सोर्स ने जो है साउंड प्रोड्यूस किया, फिर जो पहला कंप्रेशन है वो प्रोड्यूस किया इस पॉइंट से, ठीक है, अब इसकी अपनी कुछ क्या है वेलोसिटी है। ठीक है, जब ये दूसरा कंप्रेशन प्रोड्यूस करेगा या फिर दूसरी साउंड प्रोड्यूस करेगा,
उस टाइम तक ये कुछ आगे आ जाएगा। ठीक है, तो पहला कंप्रेशन और दूसरा कंप्रेशन के बीच का जो टाइम है, ठीक है, उसका टाइम पीरियड हो गया। ठीक है, उसको हम नाम देते हैं कैपिटल डी। ठीक है, एक ऑसिलेशन से दूसरे ऑसिलेशन के बीच का, ठीक है, या फिर एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन के बीच का। अब देखो ये वाला पूरा डिस्टेंस है यहां से यहां तक टैक्स। अब जब ये दूसरा कंप्रेशन प्रोड्यूस करेगा उस टाइम तक ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा। ठीक है, अब इसकी स्पीड वेलोसिटी है ये, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? तो अब यहां से और यहां तक के बीच का टाइम है टी, एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन के बीच का टाइम टी, समय बराबर दूरी डिस्टेंस ओवर इसकी वेलोसिटी स्पीड। ठीक है, तो यहां से और यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा? उसका टाइम पीरियड मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ सोर्स। सो टाइम पीरियड मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ सोर्स। ठीक है, तो डिस्टेंस जो बराबर होगा वो होगा टाइम पीरियड बिटवीन टू कंप्रेशन एंड वेलोसिटी ऑफ सोर्स। ये वाला डिस्टेंस आ गया यहां से यहां तक का। तो ये वाला डिस्टेंस यहां से यहां तक का कितना होगा? पूरी लेंथ में से ये हटा दो तो कितना होगा? एक्स माइनस टाइम टी वेलोसिटी ऑफ सोर्स। ठीक है भाई, अब देखो ये बात हो गई यहां तक के लिए। अब पहला जो उसने कंप्रेशन प्रोड्यूस किया वो यहां से और यहां तक ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो पहले के लिए टाइम होगा T1 मान लेते हैं, समय बराबर ये वाली पूरी की पूरी दूरी जो कि है x डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड, कंप्रेशन का जो वेलोसिटी है। उसके बाद जब वो यहां से साउंड प्रोड्यूस करेगा, यहां से ध्यान रखना, उसके लिए है टाइम T2 जो कि बराबर होगा नेट डिस्टेंस। ठीक है, टोटल टाइम वो बराबर होगा, अब देखो जो दूसरा प्रोड्यूस होगा उसमें वो जो है पहले से और दूसरे के बीच का जो टाइम है उसको तो पहले कंज्यूम कर चुका है, ठीक है भाई। जैसे मान लीजिए यहां से यहां तक आने में उसको 1 सेकंड लगा, ठीक है, उसके बाद वो 2 सेकंड, मान लीजिए 2 सेकंड लगा, तो पहले का 1 जमा दूसरे का 1। ठीक है, तो जो दूसरा टाइम होगा वो होगा जो दूसरा कंप्रेशन इस ऑब्जर्वर को सुनाई देगा या फिर दूसरी जो साउंड है सुनाई देगी वो कितने टाइम बाद सुनाई देगी। ये चीज देखो कितने टाइम बाद, पहला तो इस यहां से और यहां तक इतना टाइम। ठीक दूसरा, है, ये टाइम तो निकल चुका प्लस ये टाइम, इसलिए ये टाइम तो निकल चुका प्लस ये टाइम यहां से और यहां तक। नाउ समय बराबर दूरी बटे चाल कितना है? एक्स माइनस टी वेलोसिटी ऑफ सोर्स डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, साउंड की स्पीड से ही तो चल रहा है वो, कंप्रेशन चल रही है जो, बस। ठीक है, अब देखो दो कंप्रेशन के बीच कितना टाइम लग रहा है, दो कंप्रेशन के बीच, पहला कंप्रेशन फिर दूसरा कंप्रेशन, पहला कंप्रेशन पहुंच रहा है फिर दूसरा कंप्रेशन पहुंच रहा है, उसके बीच का टाइम कितना होगा? T2 माइनस T1। ठीक है, उसको हम नाम देते हैं टी डैश। ये वाला टी डैश, ठीक है, वही है जो कि एपेरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए है या फिर एपेरेंट वेवलेंथ के लिए है, अगर आपको वो जो है एपेरेंट के टर्म में समझ में ना आ रहा हो तो ये वाला हो गया टी डैश बोल दो इसको। ठीक है, क्योंकि हमने टी पहले ही ले रखा है इसलिए।
तो टी टू माइनस टी वन कर दो, जो कि होगा टी प्लस एक्स माइनस टी वेलोसिटी ऑफ सोर्स डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है, ये वाला यहां पर टी टू माइनस टी वन माइनस ये वाला सीधा x कर देता हूं मैं यहां पर, क्योंकि इसके नीचे भी साउंड है और साउंड को यहां पर ले लिया। अब x और x को हटा देते हैं, ठीक है, तो यहां पर हमारे पास बचकर आ जाएगा, ये वाला सोर्स इधर मूव करना ध्यान रखना, ठीक है, और साउंड भी इधर ही चल रही है, t माइनस t वेलोसिटी ऑफ सोर्स डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है। अब t और t बाहर कॉमन ले लेते हैं, अंदर रह गया वेलोसिटी ऑफ साउंड मल्टीप्लाई हो जाएगा वन से माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड, जो कि है t डैश के बराबर, ठीक है। अब देखो ये वाला t दो कंप्रेशन के बीच का टाइम, तो मैं इसको लिखता हूं वन ओवर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम जो होता है। अभी आ गया टी डैश, टी डैश वही एक तरह से, अब टी डैश आ रहा है ये कुछ अलग टाइम है, दूसरा अपेरेंट टाइम एक तरह से होगा ये, जैसे कि अपेरेंट फ्रीक्वेंसी अपेरेंट वेवलेंथ, ऐसे ही अपेरेंट टाइम। तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी या फिर जो फ्रीक्वेंसी डैश वो होगी बराबर होगी वन ओवर टी डैश के, तो इसको उल्टा कर दो यहां पर, सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स। देखो वही चीज दोबारा से आ गई, कुछ भी नहीं है, वही चीज है, पर थोड़ा समझाने का थोड़ा सा तरीका अलग है, ज्यादा कुछ नहीं है। तो ये चीज हमारे पास जो है अपेरेंट फ्रीक्वेंसी आ गई जब ये सोर्स इधर की तरफ मूव कर रहा है, अगर सोर्स इधर की तरफ मूव करे तो प्लस लगा दो बस। चलिए इसमें आखिरी और लेते हैं, लास्ट है जो, जब सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों मूव कर रहे हैं, यहाँ पे सोर्स है, ठीक है, और यहाँ पे ऑब्जर्वर है, मान लेते हैं सोर्स भी इधर की तरफ जा रहा है, ऑब्जर्वर भी इधर की तरफ जा रहा है, और वेलोसिटी ऑफ साउंड इधर की तरफ है, ठीक है। अब देखो जब सोर्स इधर की तरफ जा रहा है, देखो जब सोर्स इधर की तरफ जा रहा था और स्पीड ऑफ साउंड भी इधर की तरफ थी, तो लैम्डा क्या हुआ था, कंप्रेस होता है, अब लैम्डा जो है एक्सटेंड हो जाएगा, तो जो अपेरेंट लैम्डा होगा वो बराबर होगा डिस्टेंस जो सोर्स ट्रेवल करेगा यहां से यहां तक प्लस लैम्डा जैसे पहले किया था, ठीक है। तो अपेरेंट लैम्डा बराबर होगा डिस्टेंस कितना होगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी ऑफ सोर्स, क्योंकि सोर्स ने यहां से यहां तक मूव करेगा, मान लेते हैं एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन के बीच में, तो डिस्टेंस बराबर होगा टाइम मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ सोर्स, टाइम मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ सोर्स प्लस लैम्डा, ठीक है। लैम्डा क्या होगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड डिवाइड बाय लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी। अब इसमें भी जो है टाइम का इनवर्स कर दो, टाइम इज इक्वल टू वन ओवर फ्रीक्वेंसी, तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी नीचे जाएगा, जो होगी भैया अपेरेंट लैम्डा होगा। अब देखो ये वाला साउंड यहां से जाएगा इधर की तरफ, और ये वाले भाई सब भी इधर की तरफ आ रहे हैं, क्या वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, तो रिलेटिव वेलोसिटी होगी इन दोनों की, तो लैम्डा
फ्रीक्वेंसी अपेरेंट क्या होगी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी, कौन से वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर डिवाइड बाय लैम्डा अपेरेंट, लैम्डा अपेरेंट कौन सा है ये, सो वेलोसिटी ऑफ सोर्स प्लस वेलोसिटी ऑफ साउंड, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी ऊपर, तो ये हमारे पास जो है निकल कर आ जाएगा, क्या निकल कर आ जाएगा, जो पेरेंट फ्रीक्वेंसी है वो बराबर होगी वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर डिवाइड बाय फिर दोबारा से वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ सोर्स टाइम्स फ्रीक्वेंसी। ये केस कब है, जब साउंड इधर की तरफ मूव कर रहा है राइट साइड में और ऑब्जर्वर और सोर्स लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं दोनों, ठीक है, ये वाला फ्रीक्वेंसी आएगा वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस ये वाला, ठीक है, यहाँ पे देखने का कैसे दिए, चलो ऐसे कर देते हैं। तो ये आ गई एपरेंट फ्रीक्वेंसी जब सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों अपोजिट मूव कर रहे हैं किसके, वेलोसिटी ऑफ साउंड के। अगर सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों के दोनों साउंड की तरफ मूव करें तो कुछ नहीं है, बस यहां पर नेगेटिव और नेगेटिव आ जाएगा बस, तो यही समझे बस। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको जो है ये वीडियो समझ में आ गई होगी, डोपलर इफेक्ट, डोपलर इफेक्ट के अलग अलग केसेस समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए सभी स्टूडेंट्स के साथ। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो विकास मलिक फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स को यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करना न भूलें। अब इसके बाद जो है हम मैकेनिक्स का ही दूसरा एक पार्ट है, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में वो आगे चल के इंजीनियरिंग में जो है यूज होता है, वो प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मॉडल, बल्क मटेरियल या फिर कुछ ऐसे ही करके है, ठीक है। इसके बाद हम जो है वो स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर फ्लूइड मैकेनिक्स। तो आपको जो है यहाँ पे सारा का सारा जो है IIT JEE मेन से रिलेटेड सारा का सारा कंटेंट मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।